लोकेशन ऑफ रूट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा के लोकेशन ऑफ रूट्स और पोजीशन ऑफ रूट्स विथ रिस्पेक्ट टू टू रियल नंबर्स के वन एंड के टू, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी किया था कि ए की वैल्यू कैलकुलेट करें जिसके लिए क्वाड्रेटिक का एक रूट वन से लेस है और सेकेंड रूट टू से ग्रेटर है, जिसका आंसर 5 से 24 था, क्या था ना। अब क्वेश्चन नंबर टू लिखते हैं। यस सर। क्वेश्चन नंबर टू लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6k-1 इंटू एक्स माइनस 2k इज इक्वल टू 0 लाइज इन इंटरवल -1 to 1 लाइज इन ओपन इंटरवल -1 to +1। तो माइनस इनफिनिटी से जीरो यूनियन 1/4 से इनफिनिटी, माइनस इनफिनिटी से जीरो यूनियन 1/4 से इनफिनिटी, ओपन इंटरवल लिखेंगे या क्लोज इंटरवल। सब सब जगह ओपन, सब जगह ओपन इंटरवल। देखिए क्या कहा गया, ठीक एक रूट -1/4 और 1/4 -1/4 एंड 1/4 के सॉरी -1 और 1 के बीच में हो, -1 और 1 के बीच में। तो हम क्या कहेंगे, f माइनस वन इंटू एफ वन, केवल एक कंडीशन लगती है लेस देन जीरो, या माइनस वन रखेंगे तो आएगा वन, माइनस वन रखा तो प्लस 6k-1 -2k, वन रखेंगे वन माइनस 6k माइनस अप माइनस प्लस 1 -2k लेस देन जीरो, यहाँ वन वन कैंसिल 4k और यहां से मिला हमें 2-8k ग्रेटर देन 0। k का कोएफिशिएंट यहां नेगेटिव है, पहले माइनस कॉमन लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या गया k इंटू 4k-1 ग्रेटर देन 0। रियल नंबर लाइन सॉल्व करने पे k की वैल्यू आ रही है 0, 1/4, इधर लिखेंगे प्लस माइनस और प्लस, k बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 1/4 से इनफाइनाइट, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये आ रहा ना आंसर। लेकिन इसमें और एक चीज चेक करते हैं हम लोग, एंड पॉइंट, चेकिंग फॉर एंड पॉइंट, बताया था ना आपको, एंड पॉइंट भी देखें कि कहीं वो रूट तो नहीं है। और जो एंड पॉइंट क्या क्या दिए हुए हैं, के वन के टू मतलब -1 एंड 1, इफ एक्स इज इक्वल टू -1 इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक, एक्स इक्वल टू -1 अगर एक रूट है गिवन क्वाड्रेटिक का, देयरफॉर एफ ऑफ -1 क्या होगा, 0। एफ ऑफ -1 0 मतलब इसमें -1 रखिए तो एफ ऑफ -1 आता कितना है 4k, तो इसका मतलब 4k हुआ 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब k बराबर 0 रख दीजिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या जाएगी, देयरफॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू होगी 0
आर माइनस वन, तो इस क्वाड्रेटिक के रूट आएंगे, एक रूट होगा माइनस वन और दूसरा रूट होगा जीरो। ऐसा कब होगा? जब k की वैल्यू कितनी आ रही होगी, k की वैल्यू आ रही होगी जीरो। हमसे क्या कहा गया, इस क्वाड्रेटिक का ठीक एक रूट ओपन इंटरवल माइनस वन और वन के बीच में आ जाए। तो ये माइनस वन है या जीरो है, ये वन यहाँ होगा, तो बताइए ओपन इंटरवल माइनस वन और वन के बीच में कितना रूट है? एक ही रूट है जीरो, क्योंकि माइनस वन इंक्लूड नहीं है। ओपन इंटरवल माइनस वन और वन के बीच में तो एक ही रूट आ रहा है ना, तो ये k इज इक्वल टू जीरो भी अपने आंसर में इंक्लूड किया जा सकता है। मतलब जीरो पे जो यहाँ ओपन इंटरवल लगा है वहां हम क्लोज इंटरवल लगा सकते हैं। ये फर्स्ट केस था, ऐसे हमें चेक करना पड़ेगा एंड पॉइंट। ऐसे सेकंड एंड पॉइंट क्या है, x इक्वल टू वन। अगर x इक्वल टू वन एक रूट है, इसे रूट, इसका मतलब है f1 जीरो। f1 क्या आया था, 2 माइनस 8 के, ये बराबर जीरो किया तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई 4। अब k बराबर 1 बाई 4 गिवन क्वाड्रेटिक में रख दीजिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक विल बी, क्या थी क्वाड्रेटिक, x स्क्वायर माइनस 6k माइनस 1, तो x स्क्वायर माइनस कितना आ गया, 1 बाई 2x प्लस माइनस 2k, तो माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू जीरो, ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक k 1 बाई 4 रखने पर। ये मिल गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसको लिखो माइनस टू एक्स प्लस एक्स, तो ये हो गया एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसके रूट क्या है, वन एंड माइनस वन बाई टू, वन एंड माइनस वन बाई टू रूट आ रहे हैं जब के वन बाई फोर है। अब देखिए के वन बाई फोर के लिए ग्राफिकली देखें, एक रूट है वन, एक है माइनस वन बाई टू इस क्वाड्रेटिक का। हमें क्या कहा गया, माइनस वन और वन के बीच में ओपन इंटरवल माइनस वन और वन के बीच में ठीक एक रूट होना चाहिए। तो यहाँ ठीक एक रूट ही तो है, एग्जैक्टली वन रूट है, मतलब k इज इक्वल टू वन बाई फोर भी अपने आंसर में इंक्लूड होगा। तो जीरो एंड वन बाई फोर दोनों इंक्लूड होंगे, तो ये जो ओपन इंटरवल था वो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। तो फाइनल आंसर ये लिखा जाएगा, k बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू जीरो क्लोज्ड यूनियन वन बाई फोर क्लोज टू इनफाइनाइट। नोट कर लीजिए सोल्यूशन, बताइए कोई दिक्कत है तो। इस तरह से एंड पॉइंट चेक करेंगे। तो हर बार चेक करना होगा फिर। हाँ, क्या बोले बेटा, वापस बोले, चेक करना। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एंड पॉइंट देख, इसमें चेक करना है जहाँ ओपन इस तरह का है एफ माइनस वन इंटू एफ वन, बाकी में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ठीक है क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा आपको वहां पर। और कोई जरूरी नहीं कि हर बार क्लोज इंटरवल ही आए, हो सकता है वो तो चेक करने पर चलेगा कि उसको इंक्लूड करना है या नहीं करना। वैसे जेई में देखें तो जेई में कभी ये क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक, जहां एंड पॉइंट चेक करना हुआ हो, लेकिन फिर भी एडवांस में आ सकते हैं क्वेश्चंस। एंड ए सो दैट बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू जीरो कॉमा थ्री। ए की वैल्यू कैलकुलेट करें जिसके लिए दोनों रूट इस क्वाड्रेटिक के जीरो और थ्री के बीच में हो, जीरो थ्री के बीच में हो, तो जीरो और थ्री के बीच में आने चाहिए दोनों रूट। अब देखिए जीरो रूट नहीं हो सकता इस केस में, एंड पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं, फिर रूट नहीं हो सकता, रूट हो जाएगा तो जीरो और थ्री के बीच में आएगा ही नहीं वो केस। तो दोनों रूट के वन और के टू के बीच में हो, ये कंडीशन इसको अब जो बताई गई थी, बोथ रूट स्लाइस इन के वन टू के टू, मतलब दोनों रूट के वन से बड़े हैं और के टू से छोटे हैं, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन थ्री। फर्स्ट कंडीशन डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी
ग्रेटर एन इक्वल टू जीरो, तो ए स्क्वायर माइनस एट को फैक्टराइज करेंगे ए माइनस टू रूट टू इंटू ए प्लस टू रूट टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू माइनस टू रूट टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू रूट टू। सेकेंड ए इंटू एफ ऑफ जीरो मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, जीरो पर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो आंसर, एफ ऑफ जीरो यहाँ रखोगे वन इंटू टू ग्रेटर देन जीरो, ये तो ऑलवेज ट्रू है, टू ग्रेटर देन जीरो ही होगा। थर्ड ए इंटू एफ ऑफ थ्री ग्रेटर देन जीरो, ए मतलब वन इंटू एफ ऑफ थ्री, यहाँ थ्री रखो नाइन माइनस थ्री ए प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, ए क्या आ गया लेस देन इलेवन बाई थ्री। ये कंडीशन देखें, इनका इंटरसेक्शन लेना है यहाँ से तो ऑलवेज। फोर्थ कंडीशन क्या होती है, जीरो लेस देन माइनस बी बाई टू ए लेस देन थ्री, के वन लेस देन माइनस बी अपॉन टू ए लेस देन थ्री, वर्टेक्स जो होगा जीरो और थ्री के बीच में होगा, जीरो लेस देन माइनस माइनस ए अपॉन टू लेस देन थ्री, तो ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ गई, जीरो से सिक्स, इनका इंटरसेक्शन चाहिए। अब देख लें रियल नंबर लाइन तो बनाना चाहिए वो बना लें, ए माइनस टू रूट टू से छोटा है तो यहाँ से, और यहाँ तो निगेटिव वैल्यू आ नहीं तो वो तो आएगा नहीं, टू रूट टू से ग्रेटर मतलब 2.8 से ग्रेटर, 11 बाई थ्री से लेस, 11 बाई थ्री मतलब 3.67 से लेस, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, ए इज टू रूट टू टू इलेवन बाई थ्री, और जीरो और सिक्स के बीच में ही आएगी ये वैल्यू, तो फाइनल आंसर आएगा ए इज टू रूट टू से लेकर 11 बाई थ्री तक, जहां टू रूट टू पर क्लोज इंटरवल लगेगा और 11 बाई थ्री पर ओपन इंटरवल। नोट करेंगे, बताएं कोई दिक्कत है तो। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर लिखे, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो हैज टू रियल रूट्स, हैज टू रियल रूट्स अल्फा एंड बीटा सच दैट अल्फा इज लेस देन माइनस वन एंड बीटा इज ग्रेटर देन वन, देन प्रूव दैट वन प्लस c अपॉन a प्लस मॉडुलस ऑफ बी अपान ए इज लेस देन जीरो, वन प्लस सी अपान ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी अपान ए इज लेस देन जीरो, बनाए जल्दी से, हो जाए तो बताइए। हो गया सर, हो गया यस सर। देखिए क्या है इसमें, दो रियल रूट हैं अल्फा बीटा, अल्फा माइनस वन से छोटा है और जो बीटा है वो वन से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये माइनस वन और वन रूट्स के बीच में, रूट्स के बीच में हो के वन और के टू तो क्या कंडीशन होती है, ए इंटू एफ के वन मीन्स एफ माइनस वन लेस देन जीरो, रखेंगे यहाँ ए इंटू ए माइनस बी प्लस सी लेस देन जीरो, तो क्या मिल गया यहाँ से, ए स्क्वायर से डिवाइड करो तो वन माइनस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए लेस देन जीरो,
यही फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड a इंटू एफ ऑफ वन लेस देन जीरो, ये होगा ना। तो a इंटू एफ ऑफ वन क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी लेस देन जीरो, ए स्क्वायर से इसमें डिवाइड कर तो वन प्लस बी बाई ए प्लस सी अपॉन ए लेस देन जीरो, ये कंडीशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही सेटिस्फाई हो। देखिए दोनों में वन प्लस सी बाई ए तो सेम है, माइनस बी बाई ए एक जगह एक जगह प्लस बी बाई ए, तो उसकी जगह पे मॉड बी बाई ए ले सकते हैं। मतलब प्लस हो या माइनस हो दोनों ही क्या होने चाहिए, लेस देन जीरो होने चाहिए। जी लिखा है आंसर वन प्लस सी अपान ए प्लस मॉडुलस बी बाई ए इज लेस देन जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव। कोई प्रॉब्लम हो फोर्थ में तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर फाइव लिखेंगे, इफ एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए इज लेस देन जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वन टू टू देन फाइंड ए। तो ए की वैल्यू कैलकुलेट करें। If x square plus 2ax plus a less than 0 for every x belongs to 1, 2, 2, then find the value of a. A less than minus 5 by 4. Minus 4 by 5. A less than minus 4 by 5. A less than minus 4 by 5. ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक x square plus 2ax plus a. इसका ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, x square कोफिशिएंट पॉजिटिव। तो जहां ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मान लीजिए अल्फा और बीटा कट कर रहा है, तो अल्फा से जो बीटा तक पार्ट है वहां पे ये क्वाड्रेटिक की वैल्यू लेस देन जीरो होगी। ये ग्राफ क्या है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए। वाई निगेटिव कहाँ हुआ, जहां पे ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निगेटिव, वहां पे वाई निगेटिव, मतलब जहां एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ हुआ। हमसे कहा जाएगा क्लोज इंटरवल वन से टू में वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। तो क्लोज इंटरवल वन से टू में अगर ये निगेटिव है ग्राफ, मतलब तो इसमें वन और टू रूट्स के अगर बीच में होंगे, वन टू लाइज बिटवीन द रूट्स, तो यहाँ पर पार्ट क्या आ जाएगा, ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगा और वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। तो इससे रखें तो एफ वन होगा लेस देन जीरो, वन इंटू एफ वन, क्योंकि एक्स स्क्वायर का ऑप्शन तो पॉजिटिव है। तो वन प्लस टू ए प्लस ए लेस देन जीरो, ए की वैल्यू क्या आई, लेस देन माइनस वन बाई थ्री फर्स्ट कंडीशन से। एंड सेकेंड क्या होगा, एफ टू भी लेस देन जीरो, तो वहां से मिल जाएगा आपको फोर प्लस 5a less than 0, तो a की वैल्यू लेस देन माइनस 4 बाई 5। इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस 4 बाई 5 माइनस 0.8 और माइनस 0.3 में कौन सी वैल्यू लेस हुई, माइनस 0.8। तो माइनस 0.8 से लेस होगा तो माइनस 0.3 से भी लेस होगा, हो गया सर। तो देयरफॉर a बिलोंग्स टू a लेस देन माइनस 4 बाई 5, a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 4 बाई 5, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव एक बार फिर बता दो, वन टू बीच में क्या, वन टू रूट के बीच में इसलिए होंगे क्योंकि वन और टू के अगर रूट के बीच में होंगे तो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगा और एक्स एक्सिस के नीचे वाई की वैल्यू निगेटिव होगी। तो यहाँ पे यही लिखा है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होना चाहिए उस पार्ट के लिए। और अगर मान लीजिए टू यहाँ होगा तो इस पार्ट के लिए ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर हो जाएगा, तो वाई पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन लिखा है फॉर एवरी एक्स वन टू टू, जितने भी एक्स वन और टू के बीच में है उनके लिए ये निगेटिव होना चाहिए, तो ग्राफ वन और टू रूट्स के बीच में होने चाहिए इसलिए। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर सिक्स लिखेंगे, फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ ए।
what real values of a do the roots of the equation do the roots of the equation x square minus 2x minus a square plus 1 is equal to 0 lie between the roots of the equation lie between the roots of the equation x square minus 2 into a plus 1 into x plus a into a minus 1 is equal to 0 इसको फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ ए डू द रूट्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन लाई बिटवीन द रूट्स ऑफ सेकंड इक्वेशन हो गया पहले क्वाड्रेटिक के रूट कैलकुलेट कर लीजिए पहले फर्स्ट क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके रूट कैलकुलेट कर सकते हैं या परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा किसका एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर जीरो या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लीजिए इस पर उधर ले जाइए तो x माइनस वन बराबर प्लस माइनस ए तो x बराबर वन प्लस ए और वन माइनस ए तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक के रूट आ जाएंगे वन प्लस ए और वन माइनस ए अब क्वेश्चन क्या कहा गया ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक के रूट हैं और सेकंड क्वाड्रेटिक के रूट्स के बीच में एक वन माइनस ए और वन प्लस ए ये सेकेंड क्वाड्रेटिक को एफ एक्स ले लें एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स a प्लस वन इंटू एक्स प्लस ए इंटू ए माइनस वन इसके रूट्स के बीच में आ रहे हैं सर आपने दोनों वन माइनस ही लिख दी दोनों बार माइनस लिख दिया अच्छा यहाँ लीजिए वन माइनस ए वन प्लस ए ठीक है तो यहाँ पर वन माइनस ए और वन प्लस ए रूट्स के बीच में है तो k1 k2 रूट्स के बीच में है फिर वही कंडीशन वन इंटू ए इंटू मतलब वन इंटू एफ ऑफ वन माइनस ए लेस देन जीरो फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन वन इंटू एफ ऑफ वन प्लस ए लेस देन जीरो इन दोनों को सॉल्व कीजिए दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे वो आंसर आ जाएगा यहाँ रखें वन माइनस ए वन माइनस ए का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए प्लस वन और वन प्लस ए इंटू वन माइनस ए प्लस ए इंटू ए माइनस वन लेस देन जीरो स्क्वायर करेंगे यहाँ वन प्लस a square minus 2a minus 2 into 1 minus a square plus a square minus a less than 0 यहाँ से आ गया a square plus 2a square plus a square 4a square minus 3a minus 1 less than 0 factorize करें minus 4a plus a लिख करके यह जाएगा a minus 1 into 4a plus 1 less than 0 तो first से क्या रहा है a की value minus 1 by 4 से 1 तक फर्स्ट कंडीशन से देखिए यार ये अब सेकंड कंडीशन से सॉल्व करिए और इंटरसेक्शन कैलकुलेट कीजिए सेकंड है वन प्लस ए रखना है इसमें वन प्लस ए रखिए वन प्लस ए का स्क्वायर माइनस टू
a प्लस वन इंटू वन प्लस ए, वन प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू ए माइनस वन लेस देन जीरो, तो ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, आ गया वन प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए लेस देन जीरो, ए स्क्वायर भी कैंसिल हुआ, माइनस वन माइनस थ्री ए लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन माइनस वन बाई थ्री, ये सेकेंड से आ रहा है ए ग्रेटर देन माइनस वन बाई थ्री, तो पहले फर्स्ट वाले से हमें क्या मिला माइनस वन बाई फोर से वन तक, फर्स्ट से आ रहा है माइनस वन बाई थ्री माइनस पॉइंट थ्री माइनस पॉइंट टू फाइव से छोटा होगा, और सेकेंड से मिल रहा है हमें माइनस वन बाई थ्री से ग्रेटर, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी हुई माइनस वन बाई फोर से वन, ये दोनों में आ रहा है, तो आंसर फाइनल क्या लिखोगे ए बिलोंग्स टू माइनस वन बाई फोर टू वन, नोट कर लीजिए, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस पॉइंट्स अभी हमने पढ़े, कुछ क्वेश्चंस में इनइक्वालिटीज आ जाती हैं कहीं कहीं, तो इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक की आ रही है वो तो कर लिया हमने, मॉडुलस वगैरह आ जाए या लॉग की इनइक्वालिटी आ जाए उसमें भी क्वाड्रेटिक आया हो तो वह उसके से रिलेटेड पॉइंट्स कुछ देखते हैं। पहले लॉगरिथम के बारे में बता देता हूं आपको, लॉगरिथम इफ ए पावर x इज इक्वल टू n लिखा है तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log n टू द बेस a इज इक्वल टू x, log को हटाएंगे तो ये बेस सब एक्सपोनेंट हो जाएगा a रेस टू द पावर x इज इक्वल टू n, ये दोनों टर्म एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, लॉग के अंदर अगर कोई क्वांटिटी लिखी हुई है तो वो तभी डिफाइंड होती है जब ये ग्रेटर देन जीरो हो, बेस जो लिखा होता है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और वन के बराबर नहीं है, जो रिजल्ट आ रहा है ये एक्स, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है निगेटिव पॉजिटिव, इससे रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टीज देखिए लॉगरिथम के, एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ लॉग एन बेस ए रख देता हूं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बनती है ए रेस्ट टू द पावर लॉग एन टू द बेस ए इज इक्वल टू एन होता है, अगर ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी एन, प्रॉपर्टी कोई भी लॉगरिथम की लगा रहे हैं इस बात का ध्यान रखें तो बेस है वो ग्रेटर देन जीरो है नॉट इक्वल टू वन है, लॉग के अंदर कोई क्वांटिटी लिखी गई है तो वो ग्रेटर देन जीरो होगी, कोई भी इनइक्वालिटी इक्वेशंस लॉग के टर्म में सॉल्व कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, लॉग वन टू द बेस ए लॉगरिथम वन की वैल्यू जीरो होती है, लॉग निगेटिव का डिफाइंड नहीं है जीरो का डिफाइंड नहीं है, ग्रेटर देन जीरो के लिए लॉग वन की वैल्यू जीरो है, ऐसे भी देख सकते हैं आप ए रेस्ट टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन होता है, लॉग ए टू द बेस ए वन होगा, दोनों वैल्यू सेम हो तो वन आ जाएगा, लॉग ए बेस वन बाई ए हो और लॉग वन बाई ए बेस ए हो, अगर ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे की रेसिप्रोकल है तो आंसर आता है माइनस वन, बाकी कंडीशन में हर जगह नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान रखें बेस ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल टू वन है, लॉग के अंदर कोई क्वांटिटी लिखी है तो वो ग्रेटर देन जीरो, यार लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन ये बराबर होता है लॉग एम इंटू एन बेस ए, फॉर्मूले ध्यान रखें क्वेश्चंस में दूसरे भी यूज होते हैं लॉगरिथम के फॉर्मूले, केवल यहाँ क्वाड्रेटिक में ही नहीं केवल लॉग के टॉपिक में नहीं दूसरे टॉपिक्स में भी आता है, तो ये फॉर्मूले जहाँ जरूरत हो उसके लिए ध्यान रखिए, याद है तो अच्छी बात है नहीं तो नोट करें याद रखें इन्हें, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपान एन होगा,
कैसे log m raised to the power n बेस a, ऐसा लिखा हो तो ये n logarithm के आगे आ जाता है, ये बन जाता है n log m to the base a, log m बेस a raised to the power p हो तो इसको आप ऐसे लिखते हो 1 upon p log m to the base a, ऐसे ही दोनों जगह अगर लिखा हो यहाँ m पावर n a पावर p, 7 और 8 को कंबाइन कर ले तो ये हो जाएगा n अपान p log m टू द बेस a, इवन बेस को आप चेंज कर सकते हैं, log a बेस b लिखा हो तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो log a अपान log b, यहां पर बेस जैसी क्वेश्चन में जरूरत है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, मान लीजिए बेस सी की जरूरत है तो बेस सी लिख सकते हैं, डी की जरूरत है डी लिख सकते हैं, दोनों जगह सेम बेस लिखना है या बिना बेस लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं, कहीं किसी क्वेश्चन में बेस नहीं लिखा हो, इफ बेस ऑफ लॉगरिथम इज नॉट गिवन, लॉग इज नॉट गिवन देन इट इज टेकन एज, तो क्या लेते हैं उसे, बेस अगर नहीं दिया हुआ तो उसे क्या लिया जाएगा, ई ई, ठीक है, बेस ई लेते हैं, जो जेई मेंस और एडवांस में लिया जाता है वही आपको बताया जा रहा है, लॉग एक्स अगर कहीं लिखा हुआ है कोई बेस नहीं लिखा तो उसका मतलब होता है लॉग एक्स टू द बेस ई अकॉर्डिंग टू जेई, सर 10 कब होता है, बताते हैं 10 के लिए लिखा होना चाहिए कॉमन लॉगरिथम, ठीक है, या बेस दिया होना चाहिए log x बेस e, इसी को लिखने का तरीका है ln x, ln x कहीं लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब होता है log x बेस e, इसे कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम, क्या कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x, लेकिन कहीं वर्ड अगर कॉमन लॉगरिथम लिखा है कॉमन log ऑफ x then base is taken as 10, तो उसे हम लोग लिखते हैं log x to the base 10, ठीक है, जेई में कई बार आप देखोगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन या कई जगहों पर बेस नहीं दिया हुआ है तो वहां पे उन्होंने बेस की लिया है, तो जो जेई के अकॉर्डिंग है क्योंकि तो हमारी प्रोफेशन उसी के लिए है तो वहां पे हम बात कर रहे हैं बेस ई होता है, ठीक है, कॉमन लॉगरिथम लिखा हो तो बेस 10 लेंगे, ले? ये अब देखिए दूसरी और प्रॉपर्टीज, लॉग ए टू द बेस बी, अगर इसको आपस में इंटरचेंज करें तो 1 अपॉन लॉग बी टू द बेस ए होता है, लॉग ए बेस बी 1 अपॉन लॉग बी बेस ए होगा, ए रेस्ट थ्री पावर लॉग सी बेस बी लिखा हो ये c और a को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, इसको आप ऐसे ले सकते हो c रेस्ट टू द पावर लॉग a बेस b, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखें, ठीक है, ग्राफ इसका देखिए, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू log x टू द बेस a, a ग्रेटर देन 1 हो, बेस ग्रेटर देन 1 हो तो ग्राफ इस तरीके से आता है, इंक्रीजिंग हो फंक्शन है, जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है y इंक्रीज कर रहा है तो उसे कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, x 1 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, तो ये है लॉग का ग्राफ a ग्रेटर देन 0 के लिए, लॉग x बेस a, लॉग कब डिफाइंड होगा जब लॉग के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 हो, तो यहाँ पे केवल x ग्रेटर देन 0 में ही ग्राफ मिलेगा आपको, और लॉग की वैल्यू वैसे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक है, तो रेंज जो है लॉग x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक आ सकती है, ये है इंक्रीजिंग फंक्शन,
इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब एक्स इंक्रीज करे तो वाई इंक्रीज करे। सेकेंड, यही बेस जब जीरो और वन के बीच में होता है तो ग्राफ इस तरीके से आता है लॉग एक्स का। वन पे वैल्यू अभी भी जीरो है, बेस जीरो और वन के बीच में हो या वन से बड़ा हो, ये फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होती है, और डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाती है। इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो तो इसी से लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज आती है हमारे पास। पहले इक्वालिटी की बात करूं मैं, अगर ऐसे लिखा हो लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू बी, तो एक्स बराबर क्या लिखोगे? अभी लॉग के डिमेंशन लिखा था, लॉग हटाएंगे तो ए पावर बी। अब यही अगर मैं इनइक्वालिटी लिखता हूं, लॉग एक्स बेस ए ग्रेटर देन बी लिखा, तो एक्स क्या लिखोगे? ग्रेटर देन ए पावर बी इफ ए इज ग्रेटर देन वन। बेस लॉग का वन से बड़ा हो तो इनइक्वालिटी जो का जो साइन है ग्रेटर देन है तो वो ग्रेटर देन ही रहेगा। लेकिन अगर यही बेस जीरो और वन के बीच में हो जाए तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, एक्स लेस देन ए पावर बी। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाती है, इंक्रीजिंग में वही रहती है। लेकिन लॉग की है तो ये भी ध्यान रखेंगे, लॉग के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ तो ए ग्रेटर पावर बी पॉजिटिव है, ए पावर बी से लेस, तो माइनस इन्फिनिटी से ए पावर बी नहीं लिखेंगे इसको, जीरो से, या दोनों में ही आप कंडीशन लगा सकते हो। लॉग के अंदर एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये है लॉगरिथमिक के बारे में। और भी आएगा जब फंक्शन पढ़ेंगे, वहां भी आएगा लॉग इंटीग्रेशन, मतलब यूज होता रहेगा। और ऐसे ही एक और है मॉडुलस बेसिक है, जो कि अभी से ही आने लग जाएगा, बाकी फंक्शन में और भी से मिलेगा आपको, तो उसको भी अभी यहां देखते हैं। मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, देखिए एफ एक्स बराबर रूट एक्स स्क्वायर लिखा हो कहीं, तो उसका मतलब होता है प्लस माइनस एक्स नहीं, मॉडुलस एक्स। रूट फोर का क्या मतलब आप समझते हैं? प्लस टू, प्लस माइनस टू, या प्लस माइनस टू, या माइनस टू, माइनस टू कोई नहीं समझते, प्लस माइनस टू, नो सर, प्लस माइनस टू भी गलत है, केवल प्लस टू। जैसे अगर टू लिखा हो तो उसका क्या मतलब होता है? प्लस टू, उसके पहले कोई साइन नहीं लिखा है तो प्लस टू। ऐसे ही रूट फोर का मतलब है प्लस रूट फोर, प्लस टू। रूट फोर के पहले साइन अगर लिखा है, ऐसे लिखा है प्लस माइनस रूट फोर, तो प्लस माइनस टू। एक्स स्क्वायर इक्वल टू जब आप फोर लिखते हो और एक्स बराबर लिखते हो तो वहां पे आपको लिखना चाहिए प्लस माइनस रूट फोर, केवल रूट फोर नहीं, तो आंसर हुआ प्लस माइनस टू। लेकिन अगर कहीं एक्स बराबर रूट फोर लिखा है तो उसका मतलब है प्लस रूट फोर, दैट इज टू। जैसे कि यहाँ पे देखें रूट फोर मैंने लिखा, अब रूट फोर को आप कोई कहे कि मैं टू का स्क्वायर लिखूंगा तो टू आ जाएगा, लेकिन माइनस टू का स्क्वायर लिखूंगा तो क्या माइनस टू आएगा? नहीं, मॉडुलस माइनस टू, या मॉडुलस टू माइनस, मॉडुलस माइनस टू टू। रूट एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है और वो किसके बराबर होता है? रूट एक्स स्क्वायर आपको लिखना है, मॉडुलस एक्स। तो रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स है और मॉड एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एक्स अगर पॉजिटिव है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो एक्स लिखेंगे, एक्स अगर नेगेटिव है, एक्स लेस देन जीरो है तो माइनस एक्स लिखेंगे, तो माइनस ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब मॉडुलस एक्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। ग्राफ देखें, ग्राफ ऐसे होता है वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स का, मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, रेंज जीरो से इंफिनिटी तक है इसके। ठीक है, समझ रहे हैं? यस सर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑर्डरलेस में।
ऑड के अंदर अगर कोई दूसरा फंक्शन है एक्स है तो एक्स को देखना है कि ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी है, जैसे कि अगर मॉड के अंदर एक्स माइनस वन लिखा है तो हम एक्स माइनस वन पूरे को देखेंगे कि वो पॉजिटिव कहाँ है निगेटिव कहाँ है। तो जब एक्स माइनस वन पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगा तो मॉड हटाएंगे प्लस साइन से, एक्स माइनस वन निगेटिव होगा मतलब एक्स लेस देन वन होगा तो मॉड हटाएंगे बाहर लिखेंगे माइनस, ठीक है। कुछ भी दूसरा लिखो, मॉड मान लीजिए फंक्शन एफ एक्स लिखा है तो आपको एफ एक्स एज अ होल देखना है, जहां भी एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा मॉड सिंपली हटा सकते हो, जहां भी ये एफ एक्स लेस देन जीरो होगा कंप्लीट मॉड को देखिए, मॉड के अंदर जो पूरी क्वांटिटी है वो जहां निगेटिव हुई तो मॉड हटाएंगे तो बाहर लगा देंगे माइनस। मॉड एक्स इंटू वाई लिखा हो तो उसको आप सेपरेट कर सकते हो, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, मॉड एक्स अपान वाई लिखा हो तो उसको लिख सकते हो मॉडलस एक्स अपान मॉडलस वाई, क्लियरली वाई जीरो नहीं है डिनोमिनेटर, लेकिन प्लस माइनस लिखा हुआ हो तो आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते, मल्टीप्लीकेशन डिविजन में अलग अलग कर सकते हो। देखो मॉड एक्स प्लस वाई लिखा हो तो ये इन जनरल इक्वल नहीं है, किसी पर्टिकुलर केस में इक्वल है लेकिन सभी केसेस में इक्वल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ रख देता हूँ इसकी वैल्यू टू और इसकी वैल्यू रख देता हूँ वाई की वैल्यू माइनस वन, टू माइनस वन वन, एल एच एस आएगा वन, लेकिन यहाँ मॉड टू टू आएगा और मॉड माइनस वन भी वन आएगा तो टू प्लस वन आर एच एस आएगा थ्री, इक्वल नहीं। दोनों अगर एक साथ पॉजिटिव रखेंगे या दोनों निगेटिव रखेंगे तब इक्वल आ जाएगा, लेकिन इन जनरल यहाँ पे क्या देखें, यहाँ थ्री आ रहा था यहाँ पे वन आ रहा था, कौन सी वैल्यू ग्रेटर हुई, मॉड एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई, क्या लिख लें, इक्वालिटी होल्ड्स दैट इज ये इक्वल हो जाता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई होगा। अब दोनों ही x और y पॉजिटिव रखें आप तो इक्वल आ जाएगा, दोनों निगेटिव रखें तब भी आ जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव है तो x इंटू वाई प्रोडक्ट क्या आएगा पॉजिटिव, दोनों निगेटिव है तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो x इंटू वाई ग्रेटर जीरो तो एक क्वांटिटी जीरो आ जाएगा इक्वल। x इंटू वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो तो उस केस में ये इक्वल आता है, इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है जिसे हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेक्टर्स में ट्रायंगल से बनाया जा सकता है, इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट कर लें। इसी तरह जब हम डिफरेंस देखते हैं मॉड एक्स माइनस मॉड वाई तो भी इक्वल नहीं होता, या मॉड वाई माइनस मॉड एक्स इस पूरे का मॉडुलस सर लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस वाई होता है। हाँ बोलो सर, अगर सर दोनों एक्स और वाई नेगेटिव होंगे सर जब भी तो ऊपर वाली होल्ड करेगी इक्वालिटी, निगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट क्या हुआ पॉजिटिव, माइनस टू इंटू माइनस थ्री सिक्स, ये नहीं सर ये वाली जो इक्वालिटी होल्ड्स मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई। हाँ तो ये लिखा तो बेटा दोनों निगेटिव मतलब प्रोडक्ट पॉजिटिव हुआ ना। अच्छा अच्छा ठीक है सर, देखेंगे नेक्स्ट वन मॉड एक्स माइनस मॉड वाई इस लेस देन इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस वाई, यहां भी इक्वालिटी होल्ड करती है, इक्वालिटी होल्ड सेम वे वन इफ एक्स इंटू वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो या दोनों नेगेटिव हैं तो इक्वालिटी होल्ड करेगी। सर मोड एक्स प्लस मोड वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स प्लस वाई का मोड क्यों लिखा है ग्रेटर दैन, हाँ ग्रेटर देन होता है इसलिए अभी बताया, तो यहाँ पे देखो टू प्लस वन एक रखो टू और एक रखो वन माइनस वन, ये रखो टू माइनस वन क्या आएगा रख के देख लो, कोई भी छोटी छोटी वैल्यू रख के देख लो ना, एक जो पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव रख के देख लो, दोनों निगेटिव रख के देख लो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव रख के देख लो और ऑब्जर्व करके देखो खुद से। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, मॉड लॉग वगैरह जिसमें आ रहे हो पहले मॉड आ रहा है, इक्वालिटी वाला है पहले, फिर इनइक्वालिटी वगैरह भी
आदि रहेंगे सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू बताएं जो इस मॉडुलस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मॉड एक्स प्लस थ्री प्लस टू इंटू मॉड एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फोर, मॉड एक्स प्लस थ्री प्लस टू इंटू मॉड एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फोर, बनाइए इस क्वेश्चन को। बताएं हो गया? क्या कह दिया हुआ है यहाँ पर, ये मॉड कहाँ जीरो हो रहा है, माइनस थ्री, ये माइनस वन, दो मॉडलस हैं, एक एक मॉड हो तो दो केसेस आते हैं कि मॉड के अंदर की वैल्यू जहां जीरो हो रही है उससे लेस और ग्रेटर, दो मॉड है लीनियर है दो पॉइंट पर जीरो हो रहे हैं, तो ये रियल नंबर लाइन मान लेते, ये रियल नंबर लाइन तीन पार्ट में डिवाइड हो गए, तो हमें यहाँ थ्री केसेस लेने हैं। फर्स्ट केस, If x is less than minus 3, अगर माइनस थ्री से लेस है तो वो माइनस वन से भी लेस है, तो दोनों मॉड के अंदर क्वांटिटी निगेटिव होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे मॉड हटाएंगे पहला वाला तो माइनस एक्स प्लस थ्री, फिर दूसरा मॉड हटाएंगे तो उसमें भी माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फोर, यहाँ गया माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू फोर, थ्री एक्स इक्वल टू माइनस नाइन, एक्स बराबर आ गया माइनस थ्री, लेकिन मैंने यहाँ माइनस थ्री से लेस लिया है तो यहाँ पे मैं इस आंसर को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं आया, नो सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, गिवन कंडीशन यहाँ पे हमने कौन सी कंडीशन ली है, एक्स लेस देन माइनस थ्री। सेकेंड केस, एक्स माइनस थ्री से माइनस वन तक, माइनस थ्री से माइनस वन में माइनस थ्री से तो ग्रेटर हुआ लेकिन माइनस वन से लेस हुआ, तो पहला मॉड प्लस साइन से हटेगा और दूसरे मॉड के बाहर लग जाएगा माइनस, क्योंकि उसके अंदर क्वांटिटी हो गई निगेटिव, यहाँ से आ गया माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फोर, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो एक्स बराबर माइनस थ्री, इस बार एक्स बराबर माइनस थ्री इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि इक्वालिटी यहाँ रखी थी मैंने माइनस वन। थर्ड केस, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन से ग्रेटर होगा तो माइनस थ्री से भी बड़ा हुआ, यहाँ लिख दिया एक्स प्लस थ्री, दोनों मॉड हटाएंगे प्लस साइन से टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फोर, थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू फोर, तो 3x बराबर कितना आ गया माइनस वन, तो x बराबर माइनस वन बाई थ्री। अब ये माइनस वन बाई थ्री क्या माइनस वन से बड़ा होता है, हाँ होता है, तो ये भी सॉल्यूशन होगा, तो कौन कौन सॉल्यूशन आए, माइनस थ्री एंड माइनस वन बाई थ्री, माइनस वन बाई थ्री ये सॉल्यूशन है, आर सॉल्यूशन, ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो जाए क्वेश्चन नंबर टू फिर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग मॉडुलस एक्स प्लस वन प्लस मॉडुलस एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन सेवन, फाइंड लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग मॉडुलस x प्लस वन प्लस मॉडुलस x माइनस फोर ग्रेटर देन सेवन।
इसी तरह सॉल्व करना है सेकंड। ये दो मॉडुलस है, कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, माइनस वन पे और फोर पे, तीन पार्ट में रियल नंबर लाइन डिवाइड हो गई। फर्स्ट केस लीजिए एक्स लेस देन माइनस वन, बनाइए माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन सेवन, तो माइनस टू एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन सेवन, माइनस टू एक्स ग्रेटर देन फोर, एक्स लेस देन माइनस टू, एक्स लेस देन माइनस टू और यहाँ कंडीशन है एल लेस देन माइनस वन, कॉमन वैल्यू क्या हुई लेस देन माइनस टू, तो आंसर आ गया माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू फर्स्ट केस से। सेकेंड एक्स कहाँ से कहाँ तक है, माइनस वन से फोर तक, माइनस वन से फोर पहला मॉड प्लस साइन से और दूसरा माइनस साइन से हुआ ग्रेटर देन सेवन, एक्स एक्स कैंसिल, फाइव ग्रेटर देन सेवन नॉट पॉसिबल, फाइव सेवन से बड़ा तो हो नहीं सकता, यहां से कोई वैल्यू नहीं है। थर्ड केस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू फोर, फोर से ग्रेटर तो दोनों मॉड प्लस से लिख दिए, प्लस एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन सेवन, तो टू एक्स ग्रेटर देन टेन तो एक्स ग्रेटर देन फाइव, ये एक्स ग्रेटर देन फाइव, यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल टू फोर, तो एक्स क्या आया ग्रेटर देन फाइव, तो फाइव से इंफिनिटी, तो आंसर मिल गया हमारे एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन फाइव से इंफिनिटी। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एक तो पॉजिटिव चाहिए तो निगेटिव वाला पार्ट छोड़ा, अब इनमें मिनिमम पॉजिटिव फाइव के इक्वल नहीं है, तो एक्स की मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्स मिनिमम सिक्स, ये आंसर है। इंटीजर और पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू, क्वेश्चन नंबर थ्री लिखिए, फाइंड पी फॉर विच मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन माइनस पी इज इक्वल टू सिक्स प्लस मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन माइनस पी is true for all x belongs to real number, is true for all x belongs to real number, सर माइनस इनफिनिटी टू माइनस ट्वेंटी वन बाई फोर, माइनस इनफिनिटी से माइनस ट्वेंटी वन बाई फोर सही है, ध्यान से देखें तो इसे सिक्स को मॉड सिक्स भी लिख सकते हैं, तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ये एक्स प्लस वाई मॉड एक्स प्लस वाई बराबर मॉड एक्स प्लस मॉड वाई ऐसा लिखा हुआ है, देखें यहाँ से ये एक्स और ये वाई ले तो इन दोनों को ऐड करें तो ये तो आएगा वन प्लस सिक्स सेवन सेम, और ऐसा तभी x के लिए हो, तो ऐसा तभी होता है जब x into y greater than or equal to zero, तो means 6 into x square minus 5x plus 1 minus p must be greater than or equal to zero for every x belongs to real number, ये quadratic सभी के लिए greater than zero है, तो इसका a मतलब 1 greater than zero and d minus 5 का square 25 minus 4 into a into c 1 minus p less than or equal to zero, ये आ गया 21 माइनस 4p लेस देन आर इक्वल टू 0, p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 बाय 4, तो सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ यहां, प्लस अच्छा प्लस 4p आएगा, p आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू माइनस 21 बाय 4, तो आंसर है p बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 21 बाय 4, ये आंसर है। देखिए सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो बताइए।
देना है. क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है ना. सॉल्व फॉर x, log 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 बेस 7 ग्रेटर देन 0. सॉल्व फॉर x, log 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 बेस 7 ग्रेटर देन 0. माइनस इनफिनिटी से 1/2 दिया हुआ है. माइनस 1/2 देखिए, लॉग यहां से हटाइए, इनइक्वालिटी साइन क्या होगी, चेंज नहीं होगी. क्यों? बेस 1 से बड़ा है तो 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 7 पावर 0 दैट इज 1. अब ये क्वांटिटी अगर 1 से ग्रेटर है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 से ग्रेटर का आएगा, तो ऑटोमेटिकली जो क्वांटिटी 1 से बड़ी होगी वो 0 से ही बड़ी होगी. तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 की कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है. अब इसको सॉल्व करो, 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0. एलसीएम लिए, आ गया माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0. माइनस अक्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 1 अपॉन 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 लेस देन 0, तो x लेस देन 1/2. तो आंसर है x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1/2. क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व दिस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी. लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बेस 0.2 ग्रेटर देन लॉग माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बेस 0.2. बनाइए क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए. माइनस 1 से 5/2 बेस क्या है, 1 से लेस है. 1 से लेस है तो लॉग हटाएंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी. मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आएगा. अच्छा, इसमें और एक पॉइंट का ध्यान रखिए, लॉग के अंदर क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होती है. तो एंड यहाँ कंडीशन लगाएंगे, दूसरी कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0. देखिए, दोनों पे ग्रेटर देन 0 लगाने की जरूरत नहीं. जो स्मॉलर आ रहा है इस इनइक्वालिटी में, अगर मैंने इस पे लगा दिया ग्रेटर देन 0, तो सेकेंड वाली क्वांटिटी तो ये फर्स्ट इससे बड़ी है. तो ये अगर 0 से बड़ी है तो ये ऑटोमेटिकली 0 से बड़ी हो जाएगी. अगर आप दोनों पे लगाना चाहो तो दोनों से भी आंसर सेम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन आप अननेसेसरी बढ़ा रहे हो. उसका मतलब जो स्मॉलर वन है उसको आप ग्रेटर देन 0 कर दो. तो ये ग्रेटर देन 0, यदि ये पॉजिटिव हुई तो कोई क्वांटिटी अगर पॉजिटिव से बड़ी है तो वो भी पॉजिटिव आएगी. अब इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लेस देन 0. फैक्टराइज करो, 2x माइनस 5 इंटू x प्लस 1 लेस देन 0. सॉल्व किया, यहां से आ गया x माइनस 1 से 5/2. ये फर्स्ट कंडीशन. सॉरी, लॉग कैसे हटाया? लॉग दोनों तरफ बेस सेम है ना, तो लॉग हटा सकते हैं दोनों तरफ. सिंपली कट, बस बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी साइन वही रहेगी. बेस 0 और 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी. बेस सेम होना चाहिए, तो आप लॉग को दो तरफ से कैंसिल कर सकते हो
इनइक्वालिटी साइन सेम रहती है बेस वन से बड़ा हो, बेस जीरो और वन के बीच में होगा तो इनइक्वालिटी साइन चेंज। इसको फैक्टराइज करो, माइनस टू एक्स प्लस एक्स, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से क्या आया, एक्स लेस देन माइनस वन आर ग्रेटर देन टू। देखो इनका इंटरसेक्शन जो वैल्यू टू से बड़ी है और यहाँ माइनस वन से फाइव बाई टू तक है, या माइनस वन से छोटी से तो कोई कॉमन आएगा नहीं, ग्रेटर देन टू एंड लेस देन फाइव बाई टू। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, टू से फाइव बाई टू तक। बताइए कोई दिक्कत है तो बता दो एक बार कैसे चेंज हुआ, क्या करो साइन कैसे चेंज हुआ। लॉग बेस क्या है, जीरो और वन के बीच में, वन से बेस कम हो तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। यस सर, अगला क्वेश्चन लिखिए। लॉग 4x माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3x बेस 2 का स्क्वायर है ग्रेटर देन माइनस 1 बाई 2। ग्रेटर देन माइनस 1 बाई 2 बनाइए। लॉग 4x माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3x स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस 1 बाई 2। स्क्वायर लिखा है ना, देखिए स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, लॉग भी तो रियल नंबर ही है, पॉजिटिव आया या नेगेटिव, एनी रियल नंबर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव होगा वो माइनस वन बाई टू से तो बड़ा ही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा ही होगा हमेशा। तो ये ऑलवेज टू है, बस लॉग डिफाइंड होना चाहिए। और लॉग कब डिफाइंड होता है, और लॉग टू भी डिफाइंड, लॉग के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो ग्रेटर देन जीरो लिखो। 4x माइनस 3 अपान 3 4 माइनस 3x ग्रेटर देन जीरो, मैं इसमें मल्टीप्लाई करो तो 4x माइनस 3 अपान 3x माइनस 4 लेस देन जीरो। रियल नंबर लाइन सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, 3 बाई 4 से 4 बाई 3 तक, ये आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इसका लिखे, सॉल्व फॉर x क्वाड्रेटिक का, फिर अगला टॉपिक है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। नेक्स्ट लिखेंगे लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बेस एक्स प्लस थ्री लेस देन वन। नोट कर लीजिए सिक्स, फिर क्वेश्चन नंबर सेवन बनाइए। क्वेश्चन नंबर सेवन, यहाँ बेस हमें मालूम नहीं है कि ग्रेटर देन वन है या जीरो और वन के बीच में है, तो दो केसेस बनाएंगे। फर्स्ट केस बेस जो कि एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन वन है, ग्रेटर देन वन होगा तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगी, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन एक्स प्लस थ्री पावर वन, लॉग हटाएंगे तो ऐसे लिखेंगे। और ध्यान रखिए ऐसे जब लिखा आपने तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ये भी लिखा जाएगा लॉग के अंदर जो क्वांटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। फैक्टराइज करिए एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन लेस देन जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन से थ्री, और इधर से एक्स इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, तो x लेस देन जीरो और ग्रेटर देन वन। इनका इंटरसेक्शन जीरो से छोटा है और माइनस वन से थ्री है, तो x बिलोंग्स टू माइनस वन से जीरो आ गया, यहाँ से वन से ग्रेटर है थ्री से लेस है तो यूनियन वन से थ्री आ गया। ये फर्स्ट केस से मिलेगा जब बेस ग्रेटर देन वन होगा। सर ये x स्क्वायर माइनस x लेस देन x प्लस थ्री की पावर वन कैसे लिखा आपने, ये पहले जो लॉग में अभी पढ़ा, लॉग x बेस a, लॉग हटाते हैं तो क्या होता है, x ग्रेटर a पावर b आता है, बेस वन से बड़ा हो तो इनइक्वालिटी साइन वही रहती है। ओके सर,
और सेकेंड बेस जब 0 और 1 के बीच में हो, बेस 0 और 1 के बीच में मतलब x प्लस 3 0 से 1, तो x की वैल्यू माइनस 3 से माइनस 2, उस केस में लॉग हटाएंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर माइनस x आएगा ग्रेटर देन x प्लस 3, और x प्लस 3 पॉजिटिव है तो ये x स्क्वायर माइनस x पॉजिटिव से बड़ा तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव है, तो वहां कंडीशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 आया, इसको सॉल्व करोगे वही x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, x लेस देन माइनस 1 और ग्रेटर देन 3, इसमें और गिवन कंडीशन में कॉमन वैल्यू क्या हो गई माइनस 3 से माइनस 2, तो फाइनल आंसर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन तो दोनों का यूनियन फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस 3 से माइनस 2 यूनियन माइनस 1 से 0 यूनियन 1 से 3। देख ले, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क याद रखें, डीबीपी 6 and 7 क्वाड्रेटिक कंप्लीट हो गया है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन पढ़ेंगे हम लोग। सर माइनस 2 की जगह माइनस 1 नहीं होना चाहिए वहां पे?